तो तुम आ ही गए। लंदन से फोन करके बता तो देते। पापा से फोन पर बात हुई थी। यानी कि पापा का नंबर माँ के नंबर से पहले आता है। ऐसी बात नहीं, सोचा आपको सरप्राइज दूंगा। ओ अरे रणवीर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। यार तूने बताया नहीं। अगर बता देता तो सरप्राइज कैसे होती। हाँ ठीक है, कैसे हैं पापा? बिल्कुल इस आजाद देश की तरह, डिवोर्स के बाद बिल्कुल आजाद। यू लुकिंग नाइस। हेलो भैया। कैसे हो सर? फाइन भैया। रणवीर, मुझे नहीं पता था कि तुम आ रहे हो। आज पार्टी में बस तुम्हारी कमी थी, अब कोई कमी नहीं है। माँ, अनु दिखाई नहीं दे रही। तुम्हारी लाडली बहन अनु आज सुबह ही आई न्यूयॉर्क से, होगी डांस फ्लोर पर। मेरी बेटी अन्नू और पुष्कर, अच्छा पैर है ना? इंटरेस्टिंग। लेकिन मेरे ख्याल से जिज्ञासा, इस वक्त तुम देख कुछ और रही हो और सोच कुछ और रही हो। मैं उनके शादी के बारे में सोच रही हूँ। जय मेरे बेटे रणवीर को पसंद करते हैं, लेकिन जय के दिल में इस पुष्कर के लिए भी खास जगह है। कल क्या होगा, Who knows? क्या पता हमारे प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा इस पुष्कर को मिल जाए। अनु मेरी बेटी है, उसके फ्यूचर को सिक्योर करना मेरी जिम्मेदारी है। यू नो व्हाट आई मीन? वेल, तुम्हारी प्लानिंग तो काफी अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारे अलावा भी किसी और की नजर है पुष्कर में। किसकी बात कर रही हो तुम? अरे वही तुम्हारी वेट्रेस बानी की। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? सोचो अगर वो दोनों एक साथ बंद कमरे में हो तो। मैंने दोनों को एक साथ खुद अपनी आंखों से देखा है। बॉनी, स्टूपिड गर्ल। किसका खाना है टोनी? मैम वो खाना एक्चुअली आउटहाउस में भिजवाना है। What? ये पार्टी उन तीनों बहनों के लिए नहीं है टोनी। मैम आज उनकी छोटी सिस्टर का बर्थडे है, क्या मैम इसीलिए खाना ऑर्डर देके गई हैं? Are you all right, टोनी? तुम नौकरी किसकी कर रहे हो और काम किसका कर रहे हो? बानी कहाँ है? मैम वो बाहर डिनर तैयार कर रही है। Very good. एक बहन डिनर तैयार कर रही है, दूसरी डिनर ऑर्डर कर रही है और तीसरी बर्थडे पार्टी मना रही है। कहाँ जा रही हो? जी किचन में। तो डांस कौन करेगा? मुझे खाना सर्व करने जाना है। अरे तुम तो अपने आप को हमारी फैमिली का सदस्य मानती हो ना, तो तुम्हें किचन में नहीं डांस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और वैसे भी खाना बिना यूनिफॉर्म के सर्व करोगी क्या? वो मैं बस चेंज कर लूँगी। तैयार होने में तुम्हें बहुत वक्त लगाती हो, तुम मेरे साथ आओ। व
Welcome to the grand completion of the 50th anniversary of Valia Group of Companies. और अब शुरू होगा हमारा डांस प्रोग्राम। सबसे पहले रूल, हम हर गेस्ट को देंगे एक मास्क और हर मास्क पर लिखा है एक नंबर। कुछ देर डांस के बाद हम अनाउंस करेंगे उन सब में से सिर्फ एक नंबर, और जिस कपल के मास्क का नंबर एक सा होगा वो कहलाएंगे आज शाम के स्टार कपल। Isn't that fantastic, ladies and gentlemen? और अब पेश है मास्क। क्या पता आपको अपना जोड़ीदार आज ही मिल जाए। क्या करूं? वहां किचन में मुझे मैनेजर ढूंढ रहा होगा। मुझे इतना काम भी करना है और अब ये डांस। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, बारी है हमारे स्टार कपल की। आज का लकी नंबर है नंबर 16। शी इज नंबर 16। अब जिस आदमी के पास 16 नंबर का मास्क होगा वो इस खूबसूरत लड़की के साथ डांस करेगा। तो ये था जिज्ञासा आंटी का प्लान। I'm 16। Can I dance with you? रानो, अब चले? या, दीदी कब आएगी? अभी कुछ ही देर पहले तो पूछा था तुमने, कुछ देर में आ जाएंगी, तुम फिक्र मत करोगे। पर दीदी ने प्रॉमिस किया था बर्थडे एक साथ मनाएंगे, उनके बिना अकेला अकेला लग रहा है। अच्छा,
और मैं क्या हूँ, कोई भूत? जब देखो बानी दीदी, बानी दीदी, पानी की चमची। ए, बानी दीदी के बारे में कुछ मत बोलना। ओह, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैडम, मैंने उनके बारे में नहीं तुम्हारे बारे में बात कर रही। शट अप। ओके, नाउ इनफ इंतजार। अब मलिका आउट हाउस पिया दीक्षित खुद जाके बानी दीदी को यहाँ लाएगी। ना हैप्पी? मैं भी चलूंगी साथ। तो चलिए जिल्लेला ही जाके मिस्टर जयवालिया के घर में देखते हैं हमारी मैनेजर साहिबा क्या कर रही हैं। चलो। नाटक करने में काफी एक्सपर्ट हो तुम। चाहे लोग जलील हरकतें, मौका मिलते ही असलियत पे उतर आते हो। आप कहना क्या चाहती हैं? ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। रईसी का शौक पालने से कोई रईस नहीं बन जाता। सारी खुशियां तो तुम्हें भीख में चाहिए, क्या फर्क है तुम में और एक भिखारी में? आपको जो भी कहना है आप साफ साफ कहिए। अपनी बहन पिया को समझाओ, जितनी चादर है उतने ही पांव पसारे। तुम्हारी बहन रानू की पार्टी के लिए पिया ने टोनी बटलर से हमारे यहाँ का खाना भीख में मांगा है। अब तुम तीनों बहनों का खाने का इंतजाम तो हो गया, अब थोड़ा सा काम करे तो कैसा रहेगा? बानी जी, दिस इज़ आई एम कंसर्न, इसीलिए कह रही, कहीं ऐसा ना हो कि काम के वक्त पार्टी सेलिब्रेट करने के चक्कर में तुम्हारी तनख्वाह काटनी पड़े। इतने लोग हैं, पानी दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, अब कहाँ ढूंढे उन्हें? जानू, ऐसे करते हैं तुम वहां देखो और मैं वहां देखती हूँ। ओके, खाना डेकोरेशन सब मैं करूंगी। रईसी का शौक पालने से कोई रईस पाव का खाने का सारी खुशियां तो नहीं बनती है हमारे यहाँ पर। थोड़ा सा काम करेंगे तो कैसा रहेगा? पिया, पिया, ये पिया रानो है कहाँ? कहीं मुझे ढूंढने पार्टी में तो। वाह, क्या पार्टी है! माउंट आबू में तो ऐसी पार्टी के सिर्फ किस्से ही सुने थे। वाओ, शहर के सारे एलीट और वीआईपी क्लास इस तरफ, तो मैं अब तक उस तरफ क्या कर रही थी? पिया, तुम्हें इधर जाना है, तुम्हारी दुनिया यहाँ है, आगे बढ़ो। सोच क्या रही हो? एक्सक्यूज मी मैम, आपका पास? नए हो क्या? इतना भी नहीं जानते कि किससे पास मांगना है और किससे नहीं? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? I am a family friend of the Walias. नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि जब मिस्टर वालिया को पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, तो मैं अपनी हर हरकत के लिए उन्हें जवाब देना पड़ेगा। You understand? I'm sorry, ma'am. आप जा सकती हैं। It's okay. फिर कभी ऐसी गलती मत करना। सही कहा इन्होंने। क्या कर रही? वो सर, आज मेरी छोटी बहन रानो का बर्थडे है और उसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैंने और मेरी दी ने एक पार्टी रखी थी, पर हम वो पार्टी मना नहीं पाए क्योंकि मेरी दी को यहाँ आना पड़ा आपके होटल के स्टाफ के साथ इस पार्टी को मैनेज करने के लिए। बानी यहाँ? हाँ, मैनेजर है ना, तो आना ही पड़ेगा। न जाने ये मिस्टर खड़ूस अब क्या करेंगे। जय, excuse me.
न जाने पिया और रानू कहाँ चले गए, ने लोगों के बीच कहीं नहीं मिल रहे। कहीं जिज्ञासा आंटी ने मेरी बहनों को कुछ कह न दिया हो। लेकिन क्यों किया तुमने ऐसा पिया, क्यों? बस में हमारे वो नहीं, हम चाहते हैं जो किसको खबर है जाने क्या पल में यहाँ पे हो ऐसे ही ठीक है ना? What? I mean, किधर जाऊं? हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो। सोनिए, एक्सक्यूज मी, हेलो। पिया, दी आप? तुम यहां इस पार्टी में क्या कर रहे हो? अब तक जो भी किया तुमने, क्या वो काफी नहीं था? भीख का खाना लेने से पहले तुमने जरा भी नहीं सोचा पिया, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया क्या रात की ये खुशी हमारे आत्मसम्मान को कितना ठेस पहुंचाएगी? ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने पिया? हम रानू का बर्थडे किसी से भीख मांगकर सेलिब्रेट करेंगे? दी, पर मैं तो... शट अप पिया। आज तुमने अपनी दी के साथ बहुत बुरा मजाक किया है। अब जाओ यहां से।